हेलो दोस्तों, राम राम खम्मा गणी, जय जिनेन्द्र, आप सभी का स्वागत है गाइस आज के ब्लॉग में। तो शुरुआत करते हैं गाइस आज के ब्लॉग की। गाइस तो मैं आपको बता रहा हूँ आज कि 12 साल के जो कल्प कुमार हैं, ये छोटे से कम आयु में जैन मुनि की दीक्षा लेने वाले हैं। इनकी शोभा यात्रा आज कोटा नगर में धूमधाम से निकाली गई गाइस। तो जल्द ही ये 12 नगर में भी इनका एक अच्छा सा प्रोग्राम रहेगा। आज इसी के तत्वाधान में संयम और कठोर तप के नियमों को पालन करने के लिए जैन मुनि की दीक्षा लेंगे और ये कम आयु में अपना जैन धर्म से जुड़ाव और लगाव की इच्छा से इन्होंने श्वेतांबर धर्म की 12 वर्ष की कल्प आयु में महाराज साहब सुरेश्वर की संगत में छोटी सी आयु में चेन्नई से जालोर की 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की है। चौथी क्लास तक पढ़ने वाले कल्प कुमार के माता पिता मैसूर में रहते हैं। साथ ही गुजरात के भावनगर के पालीताना में लेंगे जैन मुनि की दीक्षाएं। तो गाइस आप देख रहे हैं कल्प कुमार जो कम आयु में दीक्षा लेंगे, वो सामने किस तरीके से संयम तप की इस परीक्षा को पूरा कर रहे हैं और इसी के संदर्भ में कोटा में स्थित आज मांगलिक कार्यक्रम में आए हैं, जहां पर उनका प्रोग्राम रखा गया है और साथ ही कुछ दिन बाद 12 क्षेत्र में भी इस तरीके से मांगलिक कार्यक्रम होगा और उनको एक सम्मान दिया जाएगा जो महाराज बनने से पहले उनको जैन धर्म के प्रति लगाव और उनके सत्य अहिंसा धर्म को पालते हुए महावीर भगवान की जो शरण में अपना दीक्षा लेंगे, उसी के तत्वाधान में वो आज कोटा नगर में उनका प्रोग्राम रखा हो गया है गाइस। वो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य। Thank you.
नवलल्या की तारीफ की भाई क्या स्मार्ट लग रहे हैं, नवलल्या की तारीफ की भाई क्या नेकलेस भाई क्या। उसने बोला भाई मजा नहीं आई। तो एक जन की बोली हुई बात नौ जन की तारीफ के ऊपर, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए तुझे समझ ही कहां पर सो सकता हो जाएगा ना, फिर बोलेंगे भाई दस दस लिए ना टेन कर ले, फिर आराम से सोचना भाई टेन कर लिया ना, अभी कॉलेज खत्म भी कर डिग्री ले ले, फिर आराम से सोचना। उसके बाद 26, 25, 27 का हो गया, 28 का हो गया, 29, 30 का हो गया, अभी रिक्शा लेने का मन लगा सोहा समाज क्या बोलेगा, 30 का हो गया है वैसे भी कोई भीड़ नहीं रही है, अच्छा है रिक्शा अच्छा ही है उसमें। गौतम स्वामी जी एक देशा दे रहे थे कि करना चाहिए, और गौतम स्वामी जी उनका शरीर कैसा था, एकदम ऐसा लगा कि उनकी जान पकड़ ली, ऐसे बोल बोलो गौतम स्वामी जी, उनको देखकर ये हंसी की देखो कि तब का शासन रत्न हमारे नैतिक नेता है, दोनों की सकल श्री संघ की तरफ से और परिवार की तरफ से कोटा आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा। इसी के साथ गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में।